हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं हूं मिस्टर मेयर। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं पहले मेरा इंट्रो बता देता हूं। मैं हूं मिस्टर मेयर। वैसे मैं हूं इंडियन, लेकिन कनाडा में फैमिली के साथ रहता हूं। ये कुछ क्लिप्स में आपको पहले बता देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी के बारे में पता चले, जिसकी हम बात करने वाले हैं आज, चोटो डैश कैम के बारे में, जो मेरी गाड़ी में मैंने रखा है पिछले 2-2.5 सालों से। और कोई भी लोग अगर ये वीडियो देख रहा है और कनाडा में है, तो मैं उनको बता दूं कि ये गाड़ी, मतलब कि मैं कोलरेन ड्राइव पे हूं अभी, जो बोल्टन में पड़ता है। ये क्लिप्स बस ऐसे ही एग्जांपल के लिए मैंने ऐड की हुई है ताकि आप सब लोगों को बारीकी से पता चले इस वीडियो की क्लियरिटी के बारे में और ये सब। अब ये हम मेफिल नाम का रोड है, वहां पर राइट टर्न ले रहे हैं मेरे घर जाने के लिए। आप सब लोग सामने रोड का नाम लिखा हुआ है, वो भी देख सकते हो। कार्स की जो लाइसेंस प्लेट है वो भी देख सकते हो। ये थोड़ा बारिश का सीजन चल रहा है, इसलिए शीशे पे भी विंडशील्ड वाइपर कंटिन्यू चल रहे हैं, इसलिए माफी चाहता हूँ। लेकिन मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद सोचा कि आज ही ये थोड़ा शूटिंग करके, वीडियो शूट करके आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा दूं ताकि आप सब लोगों को पता चले कि डैश कैम की अहमियत क्या होती है। आप सब देख सकते हो चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, बारिश का सीजन है, इसलिए अब धीरे धीरे बर्फ भी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो गाड़ी की लाइसेंस प्लेट भी आप आराम से देख सकते हो। साइड में जो कार है जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसकी भी कंपनी और उसकी लाइसेंस प्लेट भी आप देख सकते हो। खास करके बारिश और स्नो या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जहां पे थोड़ा व्यू कम हो, वहां पे आप खुद को बेकसूर साबित करने के लिए डैश कैम होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। वरना कभी कभार क्या होता है कि दूसरे ड्राइवर वो एक्सेप्ट नहीं करते कि गलती उनकी है, तब ये डैश कैम आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भी ये प्रूफ दिखा सकते हो कि गलती मेरी नहीं थी, ताकि आपका इंश्योरेंस रिन्यू होने के बाद बढ़ ना जाए। ये देखो गाड़ी की लाइसेंस प्लेट है, आप क्लियरली देख सकते हो फोर्ड की है, और पास में सनराइज का ट्रक आया हुआ है, उसमें भी नीचे नंबर लिखे हुए हैं, वो आप देख सकते हो। अब आराम से ये क्लिप भी आप देख लेना ताकि आपको साफ पता चल जाए, मैंने इसीलिए ये क्लिप्स ऐड की हुई है। कभी कभार क्या होता है कि बस 2 या 3 मिनट की क्लिप ऐड करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये आगे वाली गाड़ी भी ये बंदे की ही होगी, तो नज़दीक नज़दीक चलाते चलाते वीडियो बना ली है, इसलिए मैंने ये अलग अलग कार के पीछे जाके वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। माफ़ करना, ये विंडशील्ड वाइपर आप लोगों को शायद डिस्टर्बेंस कर रहे हो, लेकिन क्या करूं, ये बारिश का सीजन है इसलिए ये सब जरूरी है यहाँ पे। आप देख सकते हो पास वाली लाइन में भी गाड़ियां जा रही है, उसकी लाइसेंस प्लेट देख सकते हो आप। और जब भी कुछ एक्सीडेंट या ऐसा कुछ होता है तो इतनी नजदीक तो गाड़ियां आती ही है और पास से निकल भी जाती है, तब आपका वीडियो ये स्मार्ट मोशन भी कैप्चर करता है, ताकि आप पुश करके या तो जब गाड़ी हिट होती है तो वो कैप्चर कर लेता है। अब हम बात करेंगे, जो मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ था तब ये डैश कैम मेरे बहुत काम आया था, जिसने मेरा इंडियन रुपीस 1,11,500 के आसपास मेरे इंडियन रुपीस बचा लिए थे। अब ये गाड़ी मेरी देख सकते हो आप, राइट साइड यानी कि पैसेंजर साइड पे एक बंदे ने पीछे से मुझे टक्कर मारी थी, जो पिछले व्हील के ऊपर वाले हिस्से में बहुत सारे स्क्रेचेस बना दिए थे उसने,
और छोटा सा ये डेंट देख सकते हो आप। उसकी गाड़ी वाइट कलर थी, इसलिए मेरी गाड़ी में भी उसका थोड़ा बहुत कलर आ गया है। ये डैश कैम था, इसलिए ये वो बंदे ने रोकी और उसने एक्सेप्ट किया कि उसकी गलती है। आप देख सकते हो मैंने पुलिस भी बुलाई थी, पीछे जो तीसरी गाड़ी है वो पुलिस की है। और दोस्तों आप देख सकते हो कि ये लेडी ड्राइवर थी। और यहाँ कनाडा में क्या होता है कि कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है और अगर आपस में ड्राइवर समझ ले एक दूसरे के साथ कि भाई किसी का फॉल्ट है और किसी का कोई नुकसान हुआ है, गाड़ी में डैमेजेस हुए हैं, वो पैसे वो पे कर देगा, तो पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं रहती। फिर भी मैंने तसल्ली के लिए पुलिस को बुलाया था ताकि उसके सामने ये ड्राइवर की लाइसेंस प्लेट, उसकी फ़ोटो, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी ओनरशिप, उसका लाइसेंस, उसकी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो मैं खींच लूँ, वो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो खींच ले। और अपने आप कहीं कोलिजन सेंटर में, जैसे कि एक्सीडेंट होता है उसके बाद उसकी रिपोर्ट करने हम जाते हैं, तो वो भी जाती है और मुझे भी जाना होता है। और ये डॉक्यूमेंट्स हमें पुलिस वालों को बताने होते हैं कि ये सामने वाली गाड़ी के ये डॉक्यूमेंट्स है और ये ड्राइवर था वहाँ पे। कभी कभार क्या होता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं बाद में कि मैं तो था ही नहीं वहाँ पे, तो ये सब इसलिए होता है। और बाद में इंश्योरेंस कंपनी को मैंने ये डिटेल्स सब भेजी थी, तो उन लोगों ने मुझे रेंटल कार और ये सब कहाँ से मिलेगा, रिपेयरिंग के लिए कार कहाँ से रखनी है, ये सब डिटेल्स मैंने ईमेल के थ्रू मुझे भेज दी। और टाइम पीरियड भी वो भेजते हैं कि कितने टाइम रखनी होगी। और ये देखो आप, किया की ब्रांड न्यू कार मुझे मुफ्त में इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू मिली थी, जब तक मेरी गाड़ी ठीक नहीं हो जाती तब तक ये कार मैं यूज़ कर सकता हूँ बिना कोई पैसे दिए। सिर्फ ध्यान यही रखना होता है कि फ्यूल उन लोगों ने जितना दिया था इस गाड़ी में, मुझे उतना ही फ्यूल डाल के फिर ये गाड़ी वापस रखनी होती है एंटरप्राइज में, यानी कि रेंटल कार वालों के पास। फिर ये बंदा देखो आप, मैंने जब ये कार सबमिट करवाई तो वो सब कुछ ऑनलाइन उसके टेबलेट में देख रहा है कि फ्यूल और ये सब डिटेल क्या थी, इसमें डैमेज ये बंदे ने नए किए हैं कि नहीं किए हैं कुछ। फिर ये कार भी आप देख सकते हो मेरी, जो भी डैमेजेस थे वहाँ आप गौर से देखना, कुछ भी मतलब कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। और वाइट कार भी आपको सामने दिख रही है मेरी गाड़ी के अंदर सामने, जो मैंने अभी सबमिट की और मेरी कार में ये कार लेने आया हूँ। आप देख सकते हो जो स्क्रेचेस थे व्हील के ऊपर और डेंट था बैक साइड के डोर में, पैसेंजर साइड, वो डेंट भी निकाल दिया है। कार पूरी पूरी की पूरी पॉलिश करके उन लोगों ने रखी है यहाँ पे, मैंने वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हो साइड वाले एंगल से भी आप देख सकते हो पूरी शाइनिंग हो रही है कार। सो गाइज, I had to pay all the repairing expenses nearby 111,500 Indian rupees for this car if I had not dash cam. So please, आप सब अपनी कार में डैश कैम रखो, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।